जितेंद्र कुमार भैया आईआईटी कानपुर से है और यूएचवी प्रपोजल के साथ में जुड़े हुए इन प्रपोजल्स को समझने का और जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो ओवर टू यू जितेंद्र कुमार भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी भैया, आवाज कीजिए जी जी भैया, कितने कितने टाइम में मुझे रखना है? भैया। 20 मिनट। बीस अच्छा अच्छा मिनट जी 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 ठीक है, ठीक है भैया। धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते संभव भैया, नमस्ते शर्मिला दीदी, नमस्ते आप सभी को नमस्ते जी। को एक्सप्लोरर्स को। सबसे पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय रखना चाहूंगा। मैं जितेंद्र कुमार वर्तमान में आईआईटी कानपुर में सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आईटी में ही मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। परिवार में मैं अभी मेरे साथ मेरी पत्नी जी और दो बेटे रहते हैं। पत्नी जी गृहिणी हैं और मेरा बड़ा बेटा 8वीं कक्षा में और छोटा बेटा 4थी कक्षा में पढ़ते हैं। यूएचवी से सर्वप्रथम मेरा परिचय यही आईटी कानपुर में 2013 में 8 दिन के सायकालीन परिचय शिविर के रूप में हुआ था। उसके बाद मैंने कई परिचय शिविर किए हैं और 2018 में मैंने यही आईटी में 8 दिनों का एफडीपी भी अटेंड किया था। पिछले 10 वर्षों से मैं अपने फुल टाइम ऑफिस कार्य के साथ साथ इस सार्वभौमिक मानव मूल्य शिक्षा को समझने और जीने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। सुबह के इस सत्र से मेरी स्पष्टता मुख्य रूप से निम्न 3 बिंदुओं पर हुई है। प्रथम बिंदु है जीवन ज्ञान, यानी कि स्वयं की समझ एवं मानव की समझ। द्वितीय बिंदु है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, यानी कि प्रकृति और अस्तित्व की समझ। और तृतीय बिंदु है मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। जीवन ज्ञान के रूप में मैं जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को समझ पाया हूँ। आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, बोध, अनुभव, प्रमाण के रूप में जीवन की क्रियाओं को समझ पाया हूँ। अपनी कल्पनाशीलता यानी कि ब्लॉक बीटों की क्रियाओं को मैं अब स्पष्ट रूप से कभी कभी देख पाता हूँ। ब्लॉक बी1 की क्रियाओं को यानी कि चिंतन, संकल्प, बोध, प्रमाण, अनुभव को मैं विचार के स्तर पर समझ पाता हूँ, पर भाव के स्तर पर अभी ठीक ठीक नहीं देख पाता हूँ। चित्त में संबंध का चिंतन, बुद्धि में व्यवस्था का बोध और आत्मा में अनुभव की झलक अभी कहीं कहीं महसूस कर पाता हूँ, पर अभी चिंतन का अभ्यास हर क्षण नहीं कर पाता हूँ। प्रकृति की समझ, प्रकृति के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ, प्रकृति की समझ मुझ में मेरे बचपन से ही है। 17 वर्ष की आयु तक मैं अपने गांव में रहा हूँ, जहां पर मैं खेती करने का और गौ पालन का, मिट्टी पानी के साथ जीवन जीने का अभ्यास करता रहा हूँ। शहर, गांव से शहर आने के बाद धीरे धीरे ये अभ्यास अभी छूट सा गया है। समझ वह समझ व भाव के स्तर पर अभी भी अपने को प्रकृति से जुड़ा ही महसूस करता हूँ, पर अभी की दिनचर्या व बिजी ऑफिस शेड्यूल के कारण प्रकृति के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझ में प्रकृति संसाधनों का नुकसान मुझसे ना हो इसका ध्यान रखता हूँ। अस्तित्व की समझ अभी विचार के स्तर पर देख पाता हूँ। अस्तित्व इकाइयों और शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है। इकाइयां क्रियाशील होते हुए इस व्यापक में डूबी, भीगी और घिरी हैं, इसको देख पाता हूँ। अस्तित्व व्यापक का ही अस्तित्व में व्यापक की ही अपनी महिमा है। यदि व्यापक ना हो तो सारी प्रकृति, सारी इकाइयों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा समझ पाता हूँ। अस्तित्व में इकाइयां दो रूप में, जड़ व चैतन्य के रूप में है, ये भी समझ पाता हूँ, पर अभी हर क्षण एक एक इकाई की तरफ ध्यान नहीं रहता है। मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान को तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम मानवीय आचरण को ठीक ठीक अपना लें तो हमारा स्वयं निरंतर सुखी रहने का लक्ष्य लगभग पूरा हो जाता है। इसके लिए मेरा प्रयास बहुत ही रहा है। सुबह के सत्र से मैंने जो मानवीय आचरण को समझा है वह मुख्य रूप से मूल चरित्र व नैतिकता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। मूल्यों में 30 मूल्यों को समझ पाया। चरित्र में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दया, पूर्व कारण व्यवहार को भी समझ पाया और नैतिकता में तन मन धन रूपी अर्थ का संरक्षण, संवर्धन वह सदुपयोग की तरफ मेरा ध्यान ठीक से गया है। अब अभ्यास एक और दो में क्या समझ बनी? अभ्यास एक में मैं के द्वारा मैं को देखने की, अभ्यास दो में मैं के द्वारा
शरीर को देखने की प्रक्रिया को ठीक से समझ पाया हूँ। अभ्यास एक के स्टेप वन में इस क्षण मैं अपने इच्छा विचार व भाव को देख पाता हूँ। स्टेप टू में मैं अपने भाव व विचार का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाता हूँ। सहज व असहज भाव व विचार को स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ। स्टेप थ्री में यह भी देख पाता हूँ कि सहज भाव के आधार पर मैं आराम में, संगीत में सुखी रहता हूँ, और जैसे ही भाव विचार असहज होते हैं वैसे ही मैं परेशान, अंतर्द्वंद में और दुखी हो जाता हूँ। स्टेप फोर को तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गया हूँ और हर क्षण इसी का अभ्यास करता हूँ। इसमें मैंने जो सीखा है, इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चल रहा है, जिससे मैं कभी कभी सुखी, कभी दुखी, कभी आराम में, कभी परेशान हो जाता हूँ, इस भाव विचार को चलाने का निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, या कोई बाहरी व्यक्ति, स्थिति परिस्थिति। तो यहाँ पर ध्यान देता हूँ तो पता चलता है कि निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, बाहरी व्यक्ति, स्थिति परिस्थिति केवल ट्रिगर का काम करते हैं, निर्णय तो केवल मैं ही लेता हूँ। इस बात से मैं यह समझ गया हूँ कि अब अपने सुख व दुख के लिए 100% जिम्मेदार मैं ही हूँ, और अब दूसरों पर आरोप नहीं लगाता हूँ। स्टेप फाइव में मैंने यह चीज सीखा है कि जब अपने भाव विचार को चलाने का निर्णय मैं ही लेता हूँ, तो उस निर्णय का आधार क्या है जिससे मैं सुखी दुखी होता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यह सीखा कि मेरे निर्णय का आधार सही समझ है, या सही समझ के अभाव में कोई मान्यता है। यहाँ पर मैं यह देख पाया कि जब मैं सही समझ के आधार पर निर्णय लेता हूँ तो सुखी रहता हूँ, आराम में रहता हूँ, और यदि किसी मान्यता के आधार पर निर्णय लेता हूँ तो कभी सुखी होता हूँ और कभी दुखी होता हूँ। यहाँ पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि सही समझ ही मेरी मूलभूत आवश्यकता है। स्टेप सिक्स में मैं यह सही समझ और सही भाव को समझा हूँ। सहज भाव के रूप में मैं संबंध व्यवस्था और सहजित्व के भाव को स्वीकारता हूँ, न कि विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष के भाव। चित्त में संबंध का चिंतन, बुद्धि में व्यवस्था का बोध और आत्मा में अनुभव की झलक अभी कहीं कहीं महसूस कर पाता हूँ, पर अभी चिंतन का अभ्यास हर क्षण नहीं कर पाता हूँ। प्रकृति की समझ मानवतापूर्ण आचरण मानवतापूर्ण आचरण को तो मैं स्टेप सेवन में मैं यह देख पाता हूँ कि जब जब मैं संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के भाव में रहता हूँ तो आराम में सुखी रहता हूँ, अन्यथा दुखी और परेशान रहता हूँ। अतः संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यास दो के बारे में, अभ्यास दो में मैं स्टेप वन में मैं शरीर व शरीर मैं और शरीर को दो अलग अलग आवश्यकताएं हैं देख पाता हूँ। अभ्यास दो के स्टेप दो में मैं यह भी देख पाता हूँ कि मैं व शरीर के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। मैं शरीर को सूचना देता है और शरीर मैं के अनुसार कार्य करता है। शरीर की संवेदना को मैं अपने निर्णय के अनुसार पढ़ता हूँ। स्टेप थ्री में संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर? तो निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, यह मैं समझ पाता हूँ। स्टेप फोर में मैं केवल यही देख पाता हूँ कि मैं और शरीर के बीच दूरी है। स्टेप फाइव, सिक्स व सेवन अभी ठीक ठीक मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। इस समझ के साथ मैं पिछले 4 महीनों में मेरे जीवन में और सजगता बढ़ी है। पिछले सत्र के दौरान जो परिवर्तन हुए थे उनमें यूएचबी के प्रति और तत्परता एवं स्वयं में परिवर्जन के लिए निष्ठा बनी थी। इस बार के सत्र से कृतज्ञता वाले मूल्य पर ज्यादा ध्यान गया है। पिछले 6 महीनों से मैं अभी अपने सभी श्रेष्ठ मानव के प्रति गुरुवार के दिन का व्रत कर रहा हूँ और पूरे दिन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अभ्यास कर रहा हूँ। इन 4 महीनों में मैं अपने विचार, विचार के पीछे के भाव और भाव के पीछे के संस्कार को थोड़ा थोड़ा देखने में सफल हुआ हूँ। हर क्षण की जागरूकता और हर क्षण संस्कार को देखने का अभ्यास अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पिछले 1 साल की जर्नी को देखें तो मैं अपने बहुत ही सारे दुखों से उबर पाया हूँ, जैसे कि पुरानी गहरी मान्यताओं को देख पाया हूँ और संबंध में दूसरे व्यक्ति से भाव पाकर सुखी दुखी होने की तुलना में स्वयं के भाव की ओर एक परमानेंट शिफ्ट हुआ है। जिम्मेदारी,
जिम्मेदारी के रूप में अभी तो ज्यादातर समय स्वयं की समझ को बढ़ाने की जिम्मेदारी पर ज्यादातर काम चल रहा है। स्वयं को समझदार बनाने के क्रम में मैं यूएचबी से जुड़ने के बाद बहुत सारे अध्ययन और अभ्यास किया, जैसे कि विपश्यना का अभ्यास किया हूँ 2018 में। अध्ययन में बुद्ध और उनका धम्म, पतंजलि योग सूत्र, योगानंद जी से जुड़ी कुछ किताबें, स्वामी श्री प्रभुपाद से लिखित श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस आदि किताबें पढ़ी और मनन किया है। इन सभी से स्वयं की समझ एवं मेरे सुख का सुख में पहले से ज्यादा बढ़ा है। मौजूदा समय में मैं अभी दर्शन की 10 किताबों में 3 वाद 1 शास्त्र का पठन कर चुका हूं। अभी मानव व्यवहार दर्शन और अनुभव दर्शन को पढ़ रहा हूं। स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ परस्परता में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में मैं अभी रोज लगभग 1 घंटे समय निकाल पा रहा हूँ। पिछले 1 महीने से मैं यहीं IIT में दिव्यम नेचुरल शॉप में थोड़ी सी भागीदारी कर पा रहा हूँ शाम को, और हर 2 महीने में कानपुर संस्थान में आदरणीय वैद्य जी के, जो डॉक्टर वासु केशवन है, उनके स्वास्थ्य शिविर में भागीदारी कर पा रहा हूँ। 2 घंटे समय लगाने की बात है तो वह मैं लगा ही रहा हूँ। 1 घंटा सुबह के सत्र में लगा रहा हूँ और लगभग 1 घंटा ही मैं दर्शन के पठन और अध्ययन में लगा पा रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि मुझे और समय समझने के लिए और भागीदारी के लिए लगाने की आवश्यकता है। सप्ताह में 2 घंटे फ्राइडे की मीटिंग में, यही IIT में फ्राइडे की मीटिंग होती है हम लोगों की 6:15 से 7:15, तो वहाँ पे लगा पाता हूँ। और लगभग 2 ही घंटे रविवार को अपने को एक्सप्लोरर श्री DD पाल जी, श्री थापा जी और श्री प्रमोद जी के साथ लगा पा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं जो समय लगा रहा हूँ। अब मैं अपने मूल्यांकन को समाप्त करते हुए आदरणीय श्री बाबा जी, श्री नागराज जी, आदरणीय श्री बागड़िया सर, कानपुर संस्थान के प्रति, कंप्लीट पूरी HB टीम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से मैं अपने जीवनी में अत्यंत सकारात्मक बदलाव ला पाया हूँ। निरंतर सुख का भंडार पहले से ज्यादा भरा है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी जी जी, धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शेयरिंग रखी आपने। चंद्रशेखर भैया, आपको माइक दिया है। आप जी, यशवंत भैया, थोड़ा सा मैं कहूंगा, जितेंद्र भैया थोड़ा ये भी शेयर करें कि पिछले 4-5 महीनों में या 6 महीनों में आपके जीने में क्या परिवर्तन हुआ है, आपकी सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान में, आपके संयम के भाव में, आपके संबंध में, व्यवहार में। तो जैसे आपने जो बातें बताई, तो जो प्रस्ताव मिला है उसको आपने काफी बारीकी से रखा, परंतु जो जीने में हमको परिवर्तन दिखाई दिया है उसको भी थोड़ा शेयर करें। जी भैया, तो भैया जीने में तो मतलब मेरे जीने में तो शुरुआत से ही मैं जो देख पाता हूँ, प्रस्ताव से पहले भी मतलब भाव के लेवल पे तो जैसे कि मेरे से किसी का नुकसान ना हो और अपने में तो ठीक ठीक जीना रहा है, स्वभाव को लेके जो मैं देख पाता हूँ। पिछले 4 महीने में तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि UHB से यानी कि जीवन विद्या करने के बाद, जैसे 2013 में मैंने बताया कि जीवन विद्या मैं कर पाया था शिविर यहाँ IIT कानपुर में, उसके बाद लगभग 1 साल कर पाया था। उसके बाद जो है 2-3 साल का मैंने एक MBA प्रोग्राम ज्वाइन किया था, चूंकि जॉब के साथ शाम को करना था तो 3 साल का ब्रेक लग गया था। उसके बाद फिर मैं लगातार फिर से मतलब जुड़ पाया, तो मोरलेस देखें तो 5-6 साल मतलब इधर समय दे पाया हूँ ऑफिस के साथ। तो स्वभाव में और जीने में तो मतलब जब हमने पहले शिविर किया था उसके बाद से ही बहुत सारा चेंज आया था। शिविर से जुड़ने से पहले जो है ज्यादातर ध्यान मेरा जो सुविधाओं की तरफ ज्यादा रहता था, जो परंपरा में मैंने सीखा, परिवार से सीखा, तो यही मतलब निष्कर्ष रहता था जो अपने में कि ज्यादातर मतलब अच्छे से पढ़ लिख लें, सुविधाएं कमा लें, तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब सुखी हो जाएंगे सब। मतलब ज्यादातर ध्यान यही रहता था कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा जुटाना है, सुविधा से ही सारा मतलब हमारा सुख बन सकता है और हम खुद भी सुखी हो सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुखी कर सकते हैं। लेकिन पहले ही शिविर से ही मतलब मेरे में परमानेंट शिफ्ट आया था कि मतलब ऐसा भी जीना है, और उसके बाद से ही मतलब बहुत सारा आराम मिला और जीने में तो काफी मतलब शिफ्ट आया था कि मतलब सुविधा कुछ भी नहीं है, लक्ष्य तो हमारा निरंतर सुख और समृद्धि है।
इस बात पे ध्यान गया, तो तब से तो मेरे जीने में वही भाव विचार चलता है भैया। दूसरा यह है कि सुविधाओं को लेके मैं अपने को तो लेके मतलब श्योर रहता हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब सुविधाओं के प्रति मेरा खिंचाव नहीं है, और यूएचबी जैसे पिछले बार भी मैंने किया और इस बार भी किया तो बहुत ही मतलब बारीकी रूप में देखे तो काफी ध्यान रहता है कि बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं रहता कि नहीं कि मुझे ये अच्छा मतलब बहुत ज्यादा वो करना है, मतलब लोगों के प्रभाव में आके अपनी जरूरत के हिसाब से ही कर पाता हूँ, तो सुविधा वाले पार्ट में तो काफी हो गया है। संबंध को लेकर देखें तो संबंध के लिए तो जो जिम्मेदारी है पत्नी जी के साथ और बच्चों के साथ तो ठीक ठीक ही मतलब रहता है, थोड़ा बहुत यह है कि कहीं कहीं हो जाता है जैसे बच्चे नहीं पढ़ाई ठीक से कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब भाव बिगड़ जाता है उनको समझाने के लिए कि हाँ आपको मतलब इस तरह से करना चाहिए ये है, तो अभी वो उतना सहज से नहीं हो पाता है, लेकिन यह कि बहुत ज्यादा भी नहीं बिगड़ता है जो संबंध में है। और संबंध को लेकर थोड़ा सा और शेयर करना चाहता हूँ, चूंकि मैं अभी यहाँ कानपुर में रहता हूँ, छोटा सा परिवार है यहाँ पे, लेकिन मेरा जो बेसिकली मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मतलब मेरी अभी ज्वाइंट फैमिली है, गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में मेरे भैया और भाभी हैं, उनके बच्चे हैं और साथ में मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी आंध्र प्रदेश में रहते हैं सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में, तो बातचीत तो सबसे फोन पे ही हो पाती है, साल में एक दो बार मिलना हो पाता है, तो पूरे पूरे अगर ज्वाइंट फैमिली को लेके देखें तो वहां पे तो अभी फंसाव है, सुविधाओं को लेके अभी लोगों की आशा रहती है कि हाँ जॉब कर रहे हैं तो हम उनकी चीजों को इमीडिएट पूरा कर सकें, तो उसमें थोड़ा सा तो अभी ठीक ठीक नहीं बन पा रहा है, लेकिन अभी हम जो चार लोग यहाँ रह रहे हैं कानपुर में, तो चूंकि संस्थान में भी आना जाना रहता है और यहाँ पे जो भी शिविर होते हैं आईआईटी कानपुर में तो उसमें भागीदारी के रूप में है, तो परिवार में एक अच्छा मतलब शिफ्ट आया है, और अभी पिछले 4 महीने तो हमारी जो श्रीमती जी हैं और बच्चे हैं हम सब लोग जो है जहाँ भी अपना शिविर होता है तो भागीदारी करते ही हैं और कोशिश करते हैं कि अटेंड भी करें, तो भाव के लेवल पे तो ठीक ठीक चल पा रहा है उसमें भी संबंध में जो है, तो इस तरह से शिफ्ट है भैया। और कार्यक्रम में भागीदारी के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे आगे और क्या भागीदारी देख पा रहे हैं, मतलब जैसे एक तो हुआ सेशन अटेंड करना, वर्कशॉप अटेंड करना, वो एक बात है, परंतु जो योजना कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी कुछ भागीदारी देख पा रहे हैं क्या भैया? भागीदारी तो देख पा रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि मतलब मेरा यहाँ पे जो कार्य करने का जो है आईआईटी कानपुर में जो थोड़ा सा ऑफिस की जो जिम्मेदारी है उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को बिजी मतलब पाता हूँ, जिस तरह से वर्क का शेड्यूल है तो मुझे लगता है कि जैसे शाम को जो थोड़ा समय मिल पाता है तो उसमें अभी तो मैं पिछले कुछ दिनों से लगभग 1.5 महीने से यही अपने दिव्यम शॉप है आपको जानते ही है वहाँ थोड़ी सी भागीदारी कर पा रहा हूँ भैया के साथ उसको और अच्छे से कैसे करना है, और उसके अलावा 1 घंटे में थोड़ा शाम को जो पठन ठन करता हूँ, तो इच्छा तो है करने की मतलब इस अपने यूएचबी में जुड़ के और अच्छा करने की इच्छा है, लेकिन अभी मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से समय निकाल के किया जाए, तो ये अभी उतना निर्णय नहीं बन पा रहा कि कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ा बाधा तो मुझे मतलब थोड़ा समय अपना रखना चाहता हूँ, बताइएगा कैसा मतलब सोचना ठीक है नहीं है, ये जो जॉब का शेड्यूल है ना, चूंकि मेरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो 9:30 से 5:30 थोड़ा सा शेड्यूल रहता है जॉब का, वहाँ पे काफी मैं यहाँ पे आईआईटी कानपुर में स्टूडेंट्स का जो टोटल है उनका कोर्स से रिलेटेड टाइम टेबल और क्लास का पूरा किस तरह से प्रॉपर रन होगा और उनके बाद उनका एग्जामिनेशन शेड्यूलिंग, उनका ग्रेडिंग, उनके जो फीडबैक का जो होता है, मतलब ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर बिजी रहता हूँ, मतलब बहुत सारा काम रहता है, तो बहुत सारा तो जो मैं देख पाता हूँ कि जो विचार के रूप में ये सब चीजें जो मेरा इन्वॉल्व रहता है ना बहुत सारा इसी में रहता है, वहां से ऑफिस से आने के बाद तो मैं ज्यादा ऑफिस के उसमें नहीं बिजी रहता हूँ, इतना तो अभ्यास है कि जो चीज जहाँ करना रहता है वो वहीं पे छोड़ के मतलब मैं मतलब कर पाता हूँ, बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं रहता कि नहीं काम करना है ऐसा कुछ नहीं रहता दिमाग में मेरे, लेकिन यह कि घर में आके जो थोड़ा सा समय दे पाता हूँ, लेकिन यूएचवी में या और इसको करने को लेके अभी और कैसे प्लान कर सकते हैं और किस तरह से भागीदारी कर सकते हैं मतलब काफी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इच्छा तो बहुत कुछ करने की है लेकिन अब कैसे करेंगे, अब रास्ता अगर मिले तो फिर कर सकता हूँ जी, इस पे हम लोग बात कर लेंगे बाद में, है ना जी। जी भैया, जितेंद्र भैया की बात करें तो बारीकी से ध्यान देने का अभ्यास कर रहे हैं, आईआईटी में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी आपकी एक सक्रिय भागीदारी हो पा रही है, परंतु भागीदारी को थोड़ा और
दूसरे आयाम में ले जाने की जरूरत है, जैसे सेशन अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना इत्यादि, वो तो अपने समझने के लिए है ही, परंतु समाज में गति के लिए जो भागीदारी करनी है उस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो हम स्टेप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत हड़बड़ी ना करें कि ये चीज हमारे ऑब्जर्वेशन में आ गया है, उसको भी हम देख लें कभी किस सीमा तक आया है, तो हमारे भाव के प्रति सजगता कितनी देर बनी रहती है और कितना हम उसमें परिमार्जन कर पा रहे हैं, उसको थोड़ा सा और बारीकी से ऑब्जर्व करना है। वैसी संवेदना के प्रति हमारी कितनी सजगता बनी रहती है और उसमें कैसे हमें परिमार्जन करना है, तो इस वाले भाग पे और थोड़ा सा काम करें। तो मैं जितेंद्र भैया के लिए तो कहूंगा कि है ना, काफी मन लगाकर ये पिछले इतने समय से अभी IIT में एक ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, उसमें ये थोड़ा सा बारीकी को और बढ़ाने के लिए और जो शिक्षा के काम चल रहे हैं उसमें और भागीदारी करने की आवश्यकता है, उसमें हम लोग आगे कभी बैठ के योजना बना सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं।